हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति पापा फेवरेट मोदक। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। वैसे तो मोदक बेसन सूजी सब चीज़ों के बनते हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे के मोदक। 2 कप आटा, 2 कप आटा लिया और 2 चम्मच मैंने सूजी लिए। सूजी से इसमें थोड़ा करारापन और थोड़ा ड्राइनेस और थोड़ा खिला खिला मोदक बनेगा। आधा सूखा हुआ नारियल लिया है, जिसका छिलका उतारने के लिए मैंने कद्दूकस किया था। कद्दूकस करके इसका छिलका उतर गया है। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। थोड़े से काजू लिए हैं मैंने, थोड़े से बादाम लिए हैं। ये मेरे पास अवेलेबल थे, आप चाहे जो आपके पास अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं। पिस्ता, किशमिश, फिलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैंने ये डाल लिए है। 1 करीब के आसपास मैंने मिल्कमेड लिया है। मिल्कमेड मेरे पास रखा हुआ था, मिल्कमेड नहीं है तो आप मलाई के साथ साथ आपको शुगर, चीनी या फिर चीनी पाउडर भी डालना पड़ेगा। मिल्कमेड में पहले से ही मिठास काफी ज्यादा होती है तो मैंने इसमें चीनी की जगह मिल्कमेड और दूध की जगह भी मिल्कमेड का ही इस्तेमाल किया है। अब इसको हम एक ग्राइंडर जार में शिफ्ट करेंगे और इसको बारीक पीसेंगे। ये मेरा ये नारियल, सूखा हुआ नारियल बिल्कुल बारीक बना देना है, नारियल के बुरादे जैसा। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है, डेसिकेटेड कोकोनट है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच देसी घी डाला है मैंने इसमें। दो चम्मच देसी घी डालने के साथ साथ अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी मैंने पहले डाली है क्योंकि सूजी सिकने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। सूजी का कलर नहीं चेंज करना, हमने सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। 2 कप गेहूं का आटा, सूजी का देखिए आपने, मैंने कलर नहीं चेंज किया है, इसमें सिर्फ इसका कच्चापन निकाल दिया है। 2 कप आटा मैंने निकाल के रखा था, वो 2 कप आटा डाल दूंगी इसमें। और आटे का भी ज्यादा आपको डार्क कलर नहीं रखना है, बहुत ही खुशबूदार सिर्फ हल्का ब्राउन होने तक सेके आटे को। देखिए फ्रेंड्स, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर तक और पकाएंगे इसको। हमें इसको बिल्कुल ज्यादा डार्क कलर नहीं देना है। जैसे ही इसका हल्का हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा और हम इसको गैस को बंद कर देंगे। अभी इसमें 5 मिनट और लगेगी कलर रंगत आने में। अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत ज्यादा खुशबू हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने नारियल को पीसा था। बहुत ही आसानी से बनने वाले मोदक थे ये। बस 2 से 4 मिनट नारियल के बुरादे के साथ इस आटे को फिर से भूनेंगे। जिस जार में मैंने नारियल को पीसा था उसी जार में मैं थोड़ा सा दरदरा कोर्स नारियल, काजू और बादाम को भी दरदरा सा पीस लूंगी। काजू और बादाम भी मेरा पीस गया है। ये ज्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल आटे जैसा नहीं करना, हल्का दरदरा सा ही रखना है। काजू और बादाम को मैंने जो कोर्स में ग्राइंड किया था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मोदक तब भी आप बनाएं हमेशा थोड़ा सब्र के साथ, हमेशा मीडियम गैस पर ही सिकाई करें। मीडियम गैस पे ही आटा, सूजी या बेसन जो भी आप बनाए जिसमें भी, उसको मीडियम गैस पे ही भूने, क्योंकि तेज गैस पर उस वो बाहर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से उसका कच्चापन रह जाता है। अब ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब सारी चीजें मिक्स होने के बाद गैस को, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 कप मिल्कमेड। अगर आपके पास मिल्कमेड नहीं है तो आप मलाई, घी और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको फिर चीनी का पाउडर भी डालना पड़ेगा। मिल्कमेड में ऑलरेडी बहुत शुगर होती है तो मुझे इसमें अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं है पड़ेगी।
अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मैश कर लेंगे। और मैंने गैस के फ्लेम को बंद ही रखा है क्योंकि इसमें अभी भी इतनी गर्माहट है कि सारी चीजें आराम से मिक्स हो जाएंगी। मिक्सर पूरा तैयार हो गया है, देखिए ना ज्यादा ढीला है और ना ज्यादा सूखा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठंडा इतना कि हाथों से छू पाए। मिक्सर ठंडा हो गया है, इतना ठंडा कि हम इसको हाथों से छू सकते हैं। तो अब हम इसके बनाते हैं मोदक। पहले एक हाथ में लेके एक लड्डू की तरह ऐसे लड्डू जैसा बनाएंगे। अब हाथ हथेली पर रख के और इसको मोदक का आकार देंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं टूथपिक की सहायता से इस पर डिजाइन दूंगी। इसमें थोड़ा आपका टाइम लगेगा, अगर आपके पास मोदक मोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर से एक और लड्डू बनाया, थोड़ा दबा दबा कर लड्डू का शेप बनाया, इकट्ठा किया, हथेली पर रख के मोदक का आकार देना है इसको। टूथपिक, चाकू या चाहे जिस मर्जी की कोई भी नुकीली चीज लेके उस पर आप उसका डिजाइन या आकार दे सकते हैं। मैंने टूथपिक से इसका दिया है शेप, इसका डिजाइन, क्योंकि मेरे पास मोदक मोल्ड नहीं है। अब इसी तरह बाकी सारे मोदक भी मैं बना दूंगी, लड्डू बना के हथेली पे रख के और शेप दे देनी है। इसी तरह मैंने सारे मोदक बना लिए हैं, देखिए कितने अच्छे, बहुत अच्छे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। तो टूथपिक की सहायता से आप भी बिना मोल्ड के ये सारे मोदक बना सकते हैं। आप चाहे तो इन पे चांदी का कवर या और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी बाहर कतरन वगैरह चिपका सकते हैं। फिलहाल मुझे इतने ही ऐसे ही बनाने थे तो मैंने ऐसे ही बनाए हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।